बहुत सारी there are so many stories actually behind this success and एक टाइम ऐसा भी आया था स्वीटी जब आपका जो इंतजार था वो बढ़ते जा रहा था, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा आ रहा था, आपने बॉक्सिंग को छोड़ के कबड्डी की तरफ जाने का मन कर लिया था, कैसे ओवरकम किया, कितना स्ट्रॉन्ग आप मेंटली कितने स्ट्रांग रहे उस टाइम? जी मेरा सबसे सॉरी मेरे तो रोना ही आ जाता है वो चीज मैं याद करती हूँ तो। सबसे बुरा टाइम था मेरा वो, बॉक्सिंग मेरे लिए मतलब मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा जुनून है, और उसको छोड़ना बहुत ही बहुत बहुत बुरा टाइम था। मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया इसको भुलाने के लिए कि बॉक्सिंग मैंने छोड़ दी है। मैंने 12 घंटे प्रैक्टिस की, इवन मेरे हस्बैंड कबड्डी प्लेयर है तो उन लोगों के साथ मैं जाती थी, तो वो लोग मतलब मेरा भाई मेरे साथ रहता था क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस महसूस कर रही थी उस टाइम, खुद को मतलब सब लोगों से दूर रखना चाहती थी क्योंकि ओलंपिक्स चल रहा था और मैं नहीं थी उसमें, और वो मेरे लिए सबसे बुरी फीलिंग थी, इसलिए मैं हर चीज अवॉइड करना चाहती थी, सोशल मीडिया, न्यूज, सब चीजें। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं घर से निकल जाती प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सुबह निकलती थी 5 बजे और हम 6 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते थे, मतलब दोपहर हो जाती थी 2 बज जाते थे, हमें कभी कभी तो 7 घंटे भी हो जाते थे, फिर शाम को ऐसे ही। बल्कि उस टाइम कोविड का टाइम था, लेकिन जो स्टेडियम था हमारे पास में था, जो सिक्योरिटी वाले अंकल थे वो हमें कभी मना नहीं करते क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास में था तो कोई आता नहीं था, तो हम घर घर वाले ही थे वहां पे, तो हम वहां प्रैक्टिस कर सकते थे। तो वो भी हमें रात को 12 बज जाते ना तो हमें बोलता बेटा अब तो चले जाओ ना, अब मुझे भी सोना है यार, कब तक प्रैक्टिस करोगे, कितनी प्रैक्टिस करोगे, इतनी भी कोई प्रैक्टिस करता है। मैंने बोला कि अंकल जी बस यही है मेरे लिए, तो मुझे प्रैक्टिस करनी। और फिर मेरा ही क्या था कि मुझे ये था कि हाँ मैं कर सकती हूँ बहुत, और जैसे पहले तो सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए मैं प्रैक्टिस करती थी, बाद में उनको देखा तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं कबड्डी खेल लूँ, है ना। तो मेरी माँ ने भी, मेरे पापा ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तुम कबड्डी खेल सकती हो, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ जैसे मजाक मजाक में खेलती थी, मैं बहुत अच्छा खेल रही थी, लड़कों के साथ भी बहुत अच्छा खेल रही थी, और इवन मैं उस टाइम नेशनल के लिए सिलेक्शन भी हो गया था मेरा कबड्डी में, क्योंकि मैंने ट्रायल्स दिए थे और मैं इतना अच्छा खेल रही थी, क्योंकि लड़कों के मेरी स्पीड कोई लड़कियों में मैच ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो प्रो कबड्डी के जो क्रीम प्लेयर है वो वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके साथ मैं प्रैक्टिस कर रही हूं, तो मैंने पहले से उनके साथ प्रैक्टिस की, तो आप इमेजिन कर सकते हो मैं कितना अच्छा खेल रही होंगी वहां भी। पर बेस्ट आपने किया कि कबड्डी एक तरफ कर दिया और बॉक्सिंग में आप फिर लौट आई। निखत, आपने अपनी माँ का जिक्र किया, यू स्पोक अबाउट योर मदर निखत, दिस इज योर सेकेंड गोल्ड विच ओनली मैरी कॉम हैज डन इन द पास्ट, इज इट नाउ फॉर यू कि दो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गए, देयर इज ओनली वन टारगेट 2024 पेरिस ओलंपिक्स, इज दैट हाउ यू आर नाउ सीइंग नेक्स्ट स्टेप जो है, वी हैव टू विन द गोल्ड इन पेरिस? डेफिनेटली सर, पेरिस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, दैट्स माई अल्टीमेट ड्रीम टू विन गोल्ड मेडल फॉर माई कंट्री एट पेरिस ओलंपिक्स, but currently I want to focus step by step each time at a time, so now I was preparing for the world championship, now this is done and dusted, I defended my title, I'm really happy to win this gold medal. And what did your mother tell you, I must ask you this, what did your mother tell you first time she was seeing you live, when you won the gold you went to her, what was the first thing she told you? She was very happy, she was literally emotional and she was hugging me and kissing me, but at the same time she was sad also to see my upper lip was swollen and it was bleeding, so she was worried about me. And then I said ammi aap tension na lo, theek ho jata do teen din mein, but at the end I became world champion once again, so she was happy and she was celebrating. So winning the Olympics is the next goal. Yeah. Next 1 year, it's all about that. But before that, my next, like current focus will be on Asian Games to qualify for the Paris Olympics.